नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गौ तस्कर बेखौफ क्यों हैं? कड़े कानून के बावजूद तस्करी आखिर क्यों नहीं रुक रही है, यह सवाल बरकरार है। ताजा मामला साइबर सिटी गुड़गांव का है, जहां पर बेखौफ गो तस्कर पुलिस और गौ रक्षकों से ही भिड़ गए। गौ तस्करों ने जमकर फायरिंग की। सबसे पहले कैमरे में कैद आपको कुछ तस्वीरों को हम दिखाते हैं। तस्वीरों को देखिए, जैसे ही गौ रक्षकों को यह भनक लगी तो फिर तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस पीसीआर ने भी तस्करों का पीछा किया, लेकिन बचने के लिए तस्कर लगातार फायरिंग करते रहे। अपने आप को घिरता देख करके तस्करों ने सड़क पर ही गायों को फेंकना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप ये साफ देख सकते हैं, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। करीब 22 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने 5 तस्करों को काबू किया और पकड़े गए सभी आरोपी नूह के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें और ये वीडियो आप देखिए, किस तरह से गौ तस्करों का पीछा किया जा रहा है। और उस दौरान जब तस्करों ने अपने आप को देखा कि वो घिर गए हैं, तो उसके बाद देखिए किस तरह से पशुओं को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया गया, गौवंश को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? लगातार कड़े कानून लगातार होने के बावजूद कार्रवाइयां, उसके बाद भी अगर आप देखें कि गौ तस्करी नहीं रुक रही है, तो सवाल यह है कि इस पर अंकुश कैसे लग सकता है। और जिस तरह से ये पूरी घटना घटित हुई है, इसमें फायरिंग हो रही है, वो भी चलती हाईवे पर, ये भी आप समझिए कि कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये तमाम ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ से हो करके ये गौ तस्करों का वाहन गुजरा, वहाँ पर अमूमन काफ़ी भीड़ भी रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हों, तो यही सवाल सबसे अहम हो जाता है कि हरियाणा में आखिर ये गौ तस्कर इतने बेखौफ क्यों नज़र आ रहे हैं। अब गौ तस्कर आप देखिए कैसे गाड़ी से ये जो गाय हैं या गौवंश हैं उनको फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखें कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और अगर ये गोली वहाँ पर मौजूद किसी वाहन से गुजरते हुए शख्स को लग जाती या किसी और को लगती, तो भी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। अब सवाल यह है कि इतने पुलिस नाके होने के बावजूद 22 किलोमीटर पीछा पुलिस को करना पड़ा है, और बेखौफ इतने हैं कि गोलियां चलाते हुए सरेआम नजर आए हैं, ये उतना ही खतरनाक हो सकता है। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर ये जो तस्कर हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, इनके अंदर खौफ आखिर क्यों नहीं है, यही सवाल सबसे अहम है। हालांकि बाद में ये जो घटनाक्रम है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें गौ तस्करों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन इसके साथ कई ऐसे सवाल जुड़े हुए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आप कार्रवाई कितनी भी सुनिश्चित कर लें, लेकिन गौ तस्करों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं कि सामने आती हैं। जैसे ही ये जानकारी आती है कि गौ तस्करी हो रही है, उनको रोकने के या काबू में करने के प्रयास होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि इसी तरह से अनवरत ये जो तस्करी है वो जारी रहती है। लेकिन ये तस्वीर या ये वीडियो ये इसलिए हैरान और परेशान करने वाला है क्योंकि इसमें फायरिंग होती हुई आपको दिख रही है, और कितने बेखौफ हैं ये तस्कर कि आप देखें कि फायरिंग करते हुए ये नजर आ रहे हैं, गौवंश को सड़क पर फेंक रहे हैं, आसपास आप देखें कि राहगीर आपको आते जाते नजर आ रहे हैं, और गाड़ियां लगातार चल रही हैं इस हाईवे के ऊपर। और ऐसे में अगर ये किसी और की जान की आफत बन जाए, तो कितना घातक हो सकता है उस शख्स के लिए भी जो कि अपने घरों की ओर या फिर अपने गंतव्य की ओर जा रहा हो। बीच ट्रैफिक में भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरते हुए तकरीबन 22 किलोमीटर का पीछा करने के बाद आखिर में इन तस्करों को काबू करने में सफलता जरूर मिलती है, लेकिन इसी के साथ सवाल कई इसमें जुड़ जाते हैं कि कड़े कानून के बावजूद भी ये तस्करी क्यों नहीं रुक रही है, क्यों ये जो गौ तस्कर हैं उनके हौसले इतने बुलंद नजर आते हैं, और ये बेखौफ क्यों हैं, इन पर अंकुश कैसे लगे, ये सवाल उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए अब आपको बताते हैं गौ रक्षक या फिर गौ रक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इसमें सजा का प्रावधान क्या है। ग्राफिक के जरिए एक बार इसको समझिए। तो गौ रक्षण संवर्धन कानून बना है हरियाणा के अंदर, जिसमें हरियाणा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून को लागू किया गया है। हरियाणा में 2015 में इस कानून को बनाया गया, जिसमें गौवंश के वध पर कड़ी सजा का प्रावधान है। हरियाणा का कानून दूसरे राज्यों से भी ज्यादा कड़ा है, ये भी आपको समझना चाहिए। कानून के तहत इसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा गौवंश की तस्करी में आपको हो सकती है। 30,000 से 1,00,000 तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो घटनाएं हैं वो घटित हो रही हैं, और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। चूंकि
अपराधी किस कदर बेखौफ हैं उसका अंदाजा आप ये लगाइए कि एक तो तस्करी, ऊपर से पुलिस पीछा कर रही है, गौ रक्षक दल के लोग आपका पीछा कर रहे हैं, तमाम पुलिस नाकों को तोड़ते हुए आप भाग रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हौसले किस कदर बुलंद हैं, पशुओं को जो गौवंश हैं उनको सड़कों पर फेंक रहे हैं। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि कितने बेखौफ हैं ये बदमाश। अब सवाल सबसे अहम यहाँ पर यही है कि आखिर इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? क्या सिर्फ कड़े कानून बना देना ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि कानून काफ़ी कड़ा है जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। अगर अन्य राज्यों से भी आप तुलना करेंगे तो हरियाणा का कानून उन राज्यों की तुलना में भी अपेक्षाकृत आपको ज़्यादा सख्त नज़र आएगा, लेकिन उसके बाद बार बार अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हों तो फिर सवाल यह है कि इसमें और क्या परिवर्तन हो सकता है, कैसे इन पर और प्रभावी तौर पर कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा से प्रदेश के अंदर घटित ना हो। क्योंकि गौवंश या फिर उनका वध करना, जब इस पर सजा का, जुर्माने का प्रावधान है, इतने सख्त कानून है, तो उसके बावजूद कैसे इतनी बड़ी घटना गुरुग्राम के अंदर घटित हुई है, ये सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो गौ संरक्षण और संवर्धन कानून जो कि हरियाणा के अंदर 2015 में लागू किया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर इस पर कार्रवाई ना हो रही हो तो फिर अब इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रश्न है समय। और चलिए इसी के साथ आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में ये गौ तस्कर इतने बेखौफ क्यों हैं? गौ तस्करों को कानून का कोई खौफ नजर क्यों नहीं आता? सवाल यह भी है कि कड़े कानून के बावजूद आखिर गौ तस्करी रुक क्यों नहीं है? तो ये तीनों ही सवाल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कानून भी है लेकिन कानून का खौफ नहीं है, कार्रवाई हो रही है लेकिन उसके बाद भी तस्करी नहीं रुक रही। तो सवाल यह है कि फिर इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो वीडियो आपने देखा, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरह से ये बेखौफ लगातार इस तरह की तस्करी में शामिल हैं, कार्रवाई होने के बावजूद भी इनके अंदर खौफ कानून का नजर क्यों नहीं आ रहा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी आपका भी स्वागत है। रणवीर लोहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोक दल के। रणवीर लोहान जी आपका भी स्वागत है। श्रवण गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं गौ सेवा आयोग के। श्रवण गर्ग जी आपका भी स्वागत है। और मोनू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौ रक्षक हैं। मोनू यादव जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में श्रवण जी आपसे आज करना चाहूंगा, क्योंकि तस्वीरें या फिर हम कह सकते हैं पूरा वीडियो जो गुरुग्राम का हम लोगों ने देखा है वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। एक तो गोलियां उसमें चला रहे हैं, गौवंश को फेंक रहे हैं सड़कों के ऊपर, इतना सख्त कानून होने के बावजूद, कार्रवाई होने के बावजूद भी वो खौफ क्यों गौ तस्करों में नजर नहीं आता, इसको किस तरह से देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा श्रवण जी। का स्वागत करना चाहूंगा कि इस तरह की डिबेट शुरू की उसने, इसके साथ आपने प्रश्न किया कि गौ तस्कर को इतनी बेखौफ और गौ तस्कर लगातार रही है, पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी, कानून भी काम कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप गौ तस्कर पड़े भी जाए उन पर कार्रवाई हो रही है, 2015 का एक्ट है वो लागू हो रहा है। और इस तरह की घटनाएं पीछे 4 महीने पहले भी आई, गौ तस्कर पकड़े गए, इस घटना में भी 5 गौ तस्कर पकड़े गए हैं और गौ तस्करों द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है ये बहुत गलत है और जितनी संस्था द्वारा भी इसकी निंदा करनी चाहिए। और दूसरा ये पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है और आगे भी कार्रवाई चलती है, कार्रवाई करेगी और तो भगत भी इसमें लगे हुए हैं। प्रोफेसर वीरेन चौहान जी अब आपके पास मैं आता हूं, चूंकि तस्वीरें या वो वीडियो आपने भी देखा होगा और आपके भी संज्ञान में होगा, लेकिन वो तस्वीरें देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि एक तो भीड़भाड़ वाला इलाका, पुलिस या गौरक्षक दल उनका पीछा कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, पशुधन को फेंक रहे हैं सड़कों के ऊपर, अगर इस तरह का माइंडसेट है इन तस्करों का तो इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, क्योंकि वो खौफ कार्रवाई के बावजूद भी नजर नहीं आ रहा। लगातार हम लोग देखते हैं कई घटनाएं इस तरह की सामने आई, यहाँ पे तस्करी की हम लोगों ने देखा कि घटनाएं रिपोर्ट हुई, अब इसको रोकेंगे कैसे? सवाल यह है क्योंकि कानून भी बना दिया, उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं लेकिन तस्करी हो रही है। वीरेन चौहान जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए जिस तरह का दृश्य उस वीडियो में जो मैंने भी थोड़ा सा देखा है वो दिखाई दे रहा है, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो हृदय विदारक हैं, वो चिंता में डालने वाली हैं, वो परेशानी में डालने वाली हैं। वो तस्वीरें गौ तस्करों की हताशा को भी दर्शाती हैं। गौ तस्कर अपने
कुकृत्य को अंजाम देने से तो वो कानून कानून के शिकंजों के कसते हुए शिकंजों के बावजूद वो अपने लोभ का संवरण शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें शायद पैसा बहुत इन्वॉल्व है, उनको फायदा बहुत होता होगा उसके कारण से। लेकिन ये भी इसमें से स्पष्ट दिखाई देता है कि चारों तरफ से उन पर निगरानी है, उन पर शिकंजा कसने की जो तैयारी दिखाई देती है सरकार की और समाज की सम्मिलित संवेद तैयारी, उससे उनकी हताशा का स्तर इस हद तक बढ़ गया है कि वो दौड़ते हुए भागते हुए अपने प्राण बचाने के लिए गौवंश को सड़क पर फेंकने जैसा कृत्य उसको भी अंजाम दे रहे हैं। ये उनकी हताशा का, उनकी बौखलाहट का चरम है, एक्सट्रीम है। और ये एक्सट्रीम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि वो उनके ऊपर जो एक्सट्रीम शिकंजा कसने का हम प्रयास कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है। ये साहब युद्ध है हर दिन का, ये हर दिन की लड़ाई है। तमाम सख्त कानूनों के बावजूद अपराधी अपराध करने का प्रयास करता ही है, उसकी प्रवृत्ति कह लीजिए, उसको उसमें कोई लाभ दिखता होगा उसके कारण से। लेकिन सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम प्रदेश में गौ तस्करी गौ हत्या नहीं होने देंगे। इस काम के लिए, इस काम को अंजाम देने के लिए, सरंजाम इसको पहुंचाने के लिए हमने गौ रक्षा के लिए टास्क फोर्स एक स्पेशल गठित की है। श्रवण कुमार गर्ग जी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में राज्य स्तर पर उस टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं। जिलों में टास्क फोर्स बनाई है जिसमें जिला प्रशासन के, सरकार के अधिकारी वो नुमाइंदे हैं 6, और 5 समाज के अलग अलग वर्गों के लोग जिनको लगता है कि गौ तस्करी किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए, गौ हत्या किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए, उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। ऐसा एक तंत्र भी हमने प्रदेश में खड़ा किया है और इस टास्क फोर्स में ADGP रैंक के अधिकारी उनको भी जोड़ा गया है। तो पुलिस, प्रशासन, समाज सब मिलकर के गौ तस्करों के खिलाफ हमने एक मुहिम, एक अभियान छेड़ा है। उसी का एक हिस्सा है कि हरियाणा में मनोहर जी की सरकार बनने के बाद हमने गौ हत्या और गौ तस्करी में शामिल पाए जाने वाले शैतानों, हत्यारों के प्रति, तस्करों के प्रति उनको दंड दिलाने के लिए अधिक कठोर, या यूं कहिए कठोरतम, शायद देश में सबसे ज्यादा कठोर कदम उठाए हैं। लेकिन इसी समय एट द सेम टाइम मुझे ये बात स्वीकार करने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि अभी जालिमों को रगड़ा जाना बाकी है और वे भी बिल्कुल वे भी अपनी तरफ से आप भाई मान रहे हैं कि अभी और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हम अपनी तरफ से हर दिन सख्त होते जा रहे हैं। तो हैवान और शैतान किस्म के ये तस्कर जो लोग हैं ये भी अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से और जितना नीचे गिर सकते हैं, जितना घटियापन, जितनी दरिंदगी दिखा सकते हैं दिखा रहे हैं। मैं एक बात केवल इसमें कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर पल भर के लिए कमजोर पड़ने नहीं देंगे। और साहब अगर कोई गोलियां चला रहा है और कोई गौतस्कर गोलियां चला रहे हैं या सड़क पर गौवंश को गिरा रहे हैं, हमारे लिए चिंता की बात है, लेकिन केवल इसलिए कि भागते तस्कर कहीं गौवंश गिरा दें, कहीं टक्कर किसी को ना मार दें, इसलिए गौ तस्करों का पीछा न किया जाए, उनको रोकने का प्रयास न किया जाए, भागते अपराधियों के प्रति उदार हो जाया जाए, ये भी दलील चल नहीं सकती। अपराधी आबादी में घुसकर भी अपराध को अंजाम देगा तो उसको ठोका जाएगा, कायदे से पकड़ेंगे, रगड़ेंगे, जेल में ठोकेंगे, सजा दिलवाएंगे। बालमुकुंद शर्मा जी, ये तस्वीरें जो आपने देखी और इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी वीरेंद्र जी भी बता रहे हैं कि कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसके बाद भी क्यों इस पर हम लोग को दिख रहा है कि वो खौफ उस तरीके का नजर नहीं आ रहा, या इतने बेखौफ है कि गौवंश को देखे सड़क पर फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं? देखिए, कानून की पालना सर्वप्रथम जो है संवैधानिक हिसाब से देश चलना चाहिए, और उस व्यवस्था के हिसाब से जब कानून की पालना पूरे दुरुस्त तरीके से होगी तो ये घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन विडंबना है कि कानून की कोई स्थिति है ही नहीं ठीक हरियाणा में या हरियाणा के आसपास लगते प्रदेश में यही हालात है। ये गौ तस्करी जो भी चीजें आज हो रही हैं वो पूरा अवलोकन है, पूरी तौर तरीके से सरकार के संज्ञान में है।
सब चीजें, लेकिन सरकार उसके पास भी हाथ पे हाथ धर के बैठी है, मीडिया पे आकर के प्रवक्ता कुछ भी बोल देते हैं। अब इनका जी ऐसा मत करिए कुछ भी नहीं बोलते, हम जो कर रहे हैं वो बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते होंगे, आई भाई आपका नेतृत्व तो बोलता होगा। नहीं, हमने कानून व्यवस्था की ऐसा मत करिए, ऐसा मत बोलिए, गऊ के मामले में कच्ची बात करके आपको जाने नहीं दूंगा मैं। आपकी पार्टी के शिखर नेता ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने, कुछ भी बोल देते हैं प्रवक्ता, ये कुछ भी बोल के चले जाएंगे क्या? आप कह रहे हो ठोक देंगे, ये उस पार्टी के, ये उस पार्टी के प्रवक्ता है जिसकी टॉप लीडरशिप खुले में बकवास करती है, इनको हक है ऐसा कहने का? आपको अख्तियार है क्या, क्या कुछ भी बोल देने का? आपकी आपकी जो भाषा की शैली देखिए, आप ठोक देंगे, ठोकेंगे, गऊ गऊ क्यों, गऊ को लेकर कच्ची बात करने वाले को, गऊ हत्या करने वाले को, गऊ के तस्कर को कानून के रास्ते से ठोकेंगे और आप भी रोकेंगे तो आपको भी उसका परिणाम आपको पड़ेगा। शब्दों का ये मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आई तो मुझे अच्छे से समझ में आता है, आप उस पार्टी के प्रवक्ता है टॉप लीडरशिप गौ मांस खाती है, गौ मांस खाने वालों का समर्थन करती है। चलिए वीरेन जी, वीरेन जी, वीरेन जी आप सुन ले, वीरेन जी ठीक है, चलिए वीरेन जी हो गया, वीरेन जी अरे वीरेन जी, वीरेन जी हो गया, वीरेन जी देखिए आप बाल मुकुंद जी को बोलने दीजिए, बाल मुकुंद जी आप देखिए, मैं दो चीजें सफर शब्दों में कर देता हूँ, ये डराने धमकाने की वीरेंद्र चौहान को जरूरत नहीं है हमारे को, मैं ये कहता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति, आप सुन ली बात बोलोगे तो जवाब सुनना पड़ेगा पंडित जी महाराज, ये प्रयोग आइए डराना है तो तस्करों को डराएं, आइए हमारे साथ खड़े होइए। अगर आपको संवैधानिक तरीके से मैं समझाता हूँ, क्योंकि हमने ज्यादा समय तक शासन किया है देश में भी और प्रदेश में, आपको शासन का कम अनुभव है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें जो दलील आपकी तरफ से भी बनती है, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाए, आप क्या क्या ये मान के चले कि आप किसी को भी रोड पे मार देंगे, किसी को भी ठोक देंगे, मतलब आपको कोई कानून का कानून के पक्ष में बोल रहे हो, अगर आप सरों के पक्ष में दलील दे रहे हो, शर्म नहीं आती पंडित जी? किसको मार दिया बताओ, आप किस कानून है गौ तस्करों के वकील बनकर आए हो इस दुनिया में? जब एक बोल रहा भाई, आप पहले मेरी बात सुन रहे, प्रदेशवासियों ने सुन लिया, आपने कहा कि जो गलत करेगा आप उसको ठोकेंगे, ठीक है। अब बाल मुकुंद जी का भी तो पक्ष जान लेने दीजिए वीरेन जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें वीरेन जी, वीरेन जी ठीक है, वीरेन जी आप वो क्या कह रहे हैं वो जनता पर छोड़िए ना, वो जनता पर छोड़िए, जनता देख रही है कि वो क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में कह रहे हैं, उनको कहने तो दीजिए पहले एक बार। वीरेन जी शांत रहे थोड़ा सा, वीरेन जी देखिए समय खराब हो रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, अभी और भी मेहमान है, मुझे उनका रुख करना, एक सेकंड वीरेन जी मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप उनको सुनिए, बाल मुकुंद जी को सुनिए, आप मेरे को बोलने दीजिए, आप ऐसे धक्काशाही ना करिए। बाल मुकुंद जी आपने जो कहा वो गलत कहा, इन्होंने जो कहा था वो कायदे से कानून के द्वारा ठोकेंगे, ये शब्द प्रयोग किए थे इन्होंने, और कायदे के अनुसार मेरी आप बात सुनिए, आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ व्यवस्था है, आप उस पुलिस में से गो रक्षा के लिए अलग से एक दल बना दीजिए, आप सुनिए मेरी बात, ऐसे ना करिए कानून हाथ में लेकर के और कुछ भी कह के आप निकल जाएंगे, गौ माता के नाम पे पाप करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, आपकी पुलिस है उसमें से 10% पुलिस जो है वो केवल गो रक्षा के नाम पर लगा दीजिए, हमें मंजूर है, आप गोरक्षा के नाम पर जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है गोरक्षा पुलिस बना दीजिए, और पूरे चौराहे पर खड़े करेंगे, वो चेक करेंगे साधनों को, वो अगर कोई गलत काम करता उसको पकड़ेंगे, जेल में ले देंगे, ठोकेंगे वो भी नहीं, अपराधी को भी मौका दिया जाता है हैंड्सअप करने का, हाथ उठाने का, ऐसे तो अपराधी को भी मौका दिया जाता है, ऐसे नहीं बोलते, आप पुलिस की व्यवस्था करिए, आपके सामने कोई गऊ को, आपके सामने कोई गऊ को ट्रक में आपके ऊपर फेंके, आपकी गाड़ी के ऊपर फेंके, आपके सामने कोई गऊ की हत्या करे, आप उसको देंगे गोली मार के बाद जगह बंडी, गोली मार के बाद जगह गोली, और कईयों को मार के बाद आप कौन से बना दिया, बात कर रहे हो, आयुष जी बोलने नहीं देते, आयुष जी एक बात बताइए मुझे,
मैं ये कहता हूँ ये 10,000 पुलिस वाले गोरक्षा दल के नाम से हरियाणा पुलिस की स्पेशल ड्यूटी लगा दे, सारे नाके चेक हो जाए, दूसरे प्रदेशों से जाने वाले नाके चेक हो जाए, ये व्यवस्था फुल प्रूफ करे ना, ताकि इस तरह का अपराध घटित ही ना हो। आप कानून को अपने हाथ में लेने की बात ना करें, आप इस तरह का विद्वेष फैलाने की बात ना करें। मैं केवल ये कहता हूं कानून को तो खैर कोई हाथ में नहीं लेगा, लेकिन हाँ जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए। लेकिन शर्म इस बात पे आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप अपराधियों के वकील मत बनिए आदरणीय पंडित जी। ठीक है, आप लोहान साहब बताइए, ठीक है हो गया। रणवीर लोहान जी ठीक है बाल मुकुंद जी, आपका पक्ष आपका पक्ष आ गया। ठीक है वीरेंद्र जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। रणवीर लोहान जी, आप गलत तरीके की बात प्रस्तुत कर रहे हो, आप व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात करिए। आप तस्करों के वकील मत बनिए, व्यवस्था हम सुधार। मैं किसी का वकील नहीं। ठीक है, आप पुलिस के ऊपर लग रहे, लग रहे सुनन आपने पंडित जी, आपने सुनन लग रहे, लोग देखने लग रहे, आप सरे आम ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड लो। मैंने कानून हाथ में लेने के लिए कहा क्या, एक पल के लिए, एक वाक्य नहीं बोला कानून के हाथ में बढ़ाइए, एक नहीं कहते कि 10,000 भर्ती करेंगे पुलिस में, एक वाक्य नहीं बोला 10,000 भर्ती करेंगे पुलिस में जो गोरक्षा दल लगाएंगे। ए ब्रह्मदेव क्या मैंने एक भी वाक्य ऐसा बोला जिसमें कानून हाथ में लेने की बात कही हो? मैंने कहा अपराधियों को सच में ठोकेंगे, कानून से ठोकेंगे, हमारे पास रास्ता है, जरूरत पड़ी गोली भी मारेंगे। ये करता नहीं ठोकेंगे, पुलिस का काम है। चलिए ठीक है, अब इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है सर, हो गया, एक सेकंड, अरे ठीक है बाल मुकुंद जी, वीरेंद्र जी, ठीक है, अब आप ठीक है, थोड़ा ठीक है, आप थोड़ा सा शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाए ठीक है, हो गया, अब ठोको से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, हो गया सर, अरे सर ठीक है, लोहान जी देश का कानून कहता है पंडित जी। ठीक है वीरेंद्र जी, थोड़ा सा शांत हो जाए भाई, और लोग को बोल लेने दें। रणवीर लोहान जी हाँ लोहान साहब, एक बार अनम्यूट कर ले, मुझे लग रहा है आपका माइक म्यूट है शायद। चलिए लोहान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास वापस आऊंगा, हमारे साथ गौरक्षक। एक मिनट अब आई आवाज। जी हाँ लोहान साहब बात रखें। हाँ जी, अच्छा आयुष जी सिर्फ दो मिनट बोलना कि वीरेंद्र जी बीच में ना बोले तो मतलब डिबेट का गुड़गोबर हो जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई थी, जब इनका सबसे मेन मोटिव था, जो पूरे देश को बोल के आए थे कि गंगा और गऊ ये तस्करी नहीं होने देंगे और गंगा माँ को साफ करेंगे। देखिए 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है और 7.5 साल से ज्यादा समय केंद्र में हुआ है, ना तो गंगा साफ हुई और ना गौ तस्करी रुकी। इन्होंने 302 का मुकदमा भी, इन्होंने कानून बनाया कि हरियाणा के अंदर कोई पकड़ा जाएगा तो ये होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गौ तस्करी हो रही है। और आज की जो वीडियो देखी वो सरे आम ये कैसी थी कि जिंदा गौओं को रोड पे फेंका गया। जिस तरीके से वीरेंद्र जी आज बहुत उच्च लाउडली में जैसे बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना ऊंचा लाउडली जो ये कह रहे कि ठोकेंगे, तो ये 7.5-8 साल से क्यों नहीं ठोक पा रहे? हम आपके इस ठोकने के उसमें हम साथ हैं। देखिए गौ माता का मामला है और गंगा भी साफ होनी चाहिए और आप ठोकिए, हम आपके साथ हैं, आप ठोक क्यों नहीं रहे? सिर्फ टेलीविजन पे बैठ के डिबेट में ठोकना और सच में ही ठोकना, तब ऊंची आवाज में बात करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अगर आप काम नहीं करोगे तो ऊंची आवाज में बोलोगे कि ठोकेंगे तो ये ढकोसला होगा और इस देश और प्रदेश के साथ धोखा होगा। आप बीच में ना बोला करें, प्लीज बीच में मत बोला करें, आप सुना भी करें, आप सुनने की कैपेसिटी रखोगे तो अच्छा नेता बनोगे। आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपको 7.5 साल में आज ये कहना पड़ रहा है कि हम ठोकेंगे तो आपके लिए ठोक ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात है। हम इलाज कर रहे हैं, हम ऐसे इलाज करोगे 7.5-8 साल आप जो कह रहे हैं ना कि आप हमारे साथ हो, आप जो कह रहे हैं वो किया, हम आपके साथ हैं, आप ठोकिए, आप सब ठोकोगे उनको। सही, अब सुन लीजिए ना, मैं भी कहना चाह रहा हूँ, मेरी तो सुनो, आप ईमानदारी से मेरी सुनिए पहले, आप मेरी सुनिए पहले मेरी सुनिए, सियासत छोड़ बीच में मत बोला, आप राजनीति छोड़ के ईमानदारी से साथ खड़े हो या बस बोलते हैं, आप तो हमको ठोकने में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है,
अब आपने 7.5 साल में किया नहीं, फिर करेंगे कुछ नहीं किया तो ये बेशर्मी नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को, और ऊंचा बोल के कह रहे कि हम ठोकेंगे। आप इतना ऊंचा तब बोल सकते हो, आपने 7.5 साल और हरियाणा के लोगों को पता चले कि आपने इस काम पे वक्त में काम किया है। आज किसान परेशान है गौ माता की वजह से, सुन लीजिए लोहान साहब, और आप ये तो गौ तस्करी है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं, इसलिए आपने आपकी आरोप पर इसको साबित कर देंगे क्या? आप इसलिए नहीं ठोक पा रहे हो, साबित कर सकते हैं इस आरोप को? आप इस बाइयात आरोप को साबित कर सकते हैं क्या? इसलिए जो आप साबित कर सकते हैं इस बाइयात आरोप को कि हम ये कर रहे हैं? लोहान साहब की और ना गौ तस्करों को रोका और ना करने का दमखम रखते हो, हम आपके साथ हैं। आप ठोक गए, अब क्यों नहीं ठोक पा रहे? केवल मात्र लोहान साहब, लेकिन ये बात जो आपने कही है, लोहान साहब जो ये बात आपने कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं, इसको तो आपको साबित करना पड़ेगा भाई, ऐसा कैसे कहा आपने? क्या आधार? मैं रणबीर सिंह लोहान, अगर ये लोग शामिल ना होते टेलीफोन पे बोलने से नहीं ठुकाई होगी, इनको काम करना पड़ेगा। बीजेपी वाले कैसे शामिल हैं? ये आरोप आपने लगाया, इतना गंभीर आरोप, बीजेपी वाले कैसे शामिल हैं? के लोग अगर इसमें शामिल ना हो तो प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि गो तस्कर हरियाणा के अंदर घुस जाए या देश के किसी कोने में भी घुस जाए। हरियाणा के ऐसे कोने में घुसते हैं जहाँ गो तस्करों का आना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पहुँच रहे केवल मात्र प्रशासन और सरकार के साथ। सुनने की हिम्मत है तो सुनिए जरा, आपने आरोप लगाया टेलीविजन पे, आपने टेलीविजन पे बैठ के आरोप लगाया, सुनो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आरोप लगाया है ना, मैं आपको खुले में टेलीविजन पर, खुले मंच पर आपके आरोप को साबित करने की चुनौती दे रहा हूं। आप या तो इस आरोप को साबित करिए या माफी मांग लीजिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप करेंगे इसमें सुने हैं, इतना ऊंची आवाज में बात करते हो ना टेलीविजन पे, इतनी ऊंची आवाज में काम करिए तो दूसरी के ऊपर एक भी नहीं जा सकती ना। अगर आपके बस की बात नहीं तो छोड़िए, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल लोहान, रणबीर सिंह लोहान, कोई हिल नहीं सकता। मत लड़ो तस्करों से, लड़ो, हिम्मत है तो मैं तस्करों से लड़ेंगे, उसी से उतरिए हम लड़ेंगे। अगर रणबीर सिंह लोहान, एंकर महोदय रणबीर सिंह लोहान, अगर अपने आरोप को साबित कर दें, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता अगर इस कुकृत्य में एक भी कोई शामिल पाया जाएगा तो भाई ठोकर में न रणबीर लोहान ने बख्शते, ना भाजपा के कार्यकर्ता ने बख्शते। गलत काम करनिया गौ के खिलाफ जो आधार होना चाहिए ना, सिर्फ ऐसा कहने से नहीं होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये मेरे नहीं होंगे तो ऐसा होगा। ये इस बट पर नहीं चलता ना, ये इस बट पर नहीं होता, ये इस बट पर नहीं होता। लोहान साहब आरोप लगाएंगे तो भाई उसको साबित करना पड़ जाएगा, और ये बहुत गंभीर आरोप है, ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि आपने सबको एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया, सबको एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लोहान साहब ये गलत है, या तो आपको साबित करना पड़ेगा, आधार रखना पड़ेगा, साक्ष्य रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं मोनू यादव जी का रुख करता हूँ। ठीक है लोहान साहब, लोहान साहब, लोहान साहब, थोड़ा डाटा अगर हो तो कोई निकाल लीजिए, बाकी आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, ठीक है, लेकर जाएंगे। ठीक है, रणबीर लोहान को साथ लेकर के तस्करों को, मोनू यादव जी, मोनू यादव जी, ठीक है लोहान साहब, आप दोनों लोग जाइए भाई, पूरा प्रदेश जाए, सबको एक साथ होना चाहिए इस मुद्दे पर, तो सबको साथ हो जाना चाहिए। अब ठीक है, 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 एक सेकंड, अरे ठीक है, ठीक है, अरे लोहान साहब और वीरेंद्र जी, ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाए, थोड़ा सा शांत हो जाए। अब भाई गौरक्षक की बात भी सुन ले आप लोग, सुन ले भाई, ठीक है, सुन ले, जिनको साथ लेके जाना है, अरे जिनको साथ लेके जाना उनकी बात भी तो सुन ले साहब, जिनको साथ लेके जाना उनकी बात भी सुन ले भाई, उनकी बात भी सुन ले, उनकी बात भी सुन ले, मोनू यादव जी की बात तो सुने पहले, एक सेकंड वीरेंद्र जी, इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, मैं ये कह रहा हूँ ये साबित करें
अगर हमारा भी कोई कार्यकर्ता होगा नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये वकील ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो साबित करेंगे भाई, वो साबित करेंगे, उन्होंने कहा ना मोनू यादव जी, ठीक है, अरे लोहान साहब, लोहान साहब, अरे लोहान साहब, लोहान साहब, देखिए आप, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, सुन ले भाई, ठीक है, देखिए अब आप लोग राजनीति करने लगे, गांव के ऊपर भी राजनीति करने लगे, यहाँ पर कैसे रोका जाए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है, केवल राजनीति को, सबको अपनी अपनी पार्टी को बेहतर बताना है, गांव की किसी को चिंता नहीं है, यहाँ पर सबको अपनी अपनी पार्टी का केवल पक्ष रखना, अरे ठीक है वीरेन जी, वीरेन जी सुन ले भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, इलाज हम करेंगे खिलाफ हम आपके साथ ठोकेंगे भाई राय ईमानदारी राजनीति की ईमानदारी साथ दीजिए, आरोप जब लगा रहे हो पकड़ा साबित भी करो, साथ दे माफी मांग लेना, साथ ना देते चलिए ठीक है भाई, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार हो गया हो तो थोड़ा गऊ पे बात करने भाई, थोड़ा गऊ पे बात करेगा, कोई गाय पे बात करेगा क्या, कोई गाय पे बात करने के लिए तैयार है, गऊ पे बात करने के लिए तैयार है कि बीजेपी का या फिर इनेलो का केवल पक्ष रखना है, बीजेपी या इनेलो को केवल अपना अपना पक्ष रखना है, अरे भाई गौ पे भी बात कर लीजिए, आप दोनों लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं, आप दोनों लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं, उन्होंने कह दिया आप साहब माफी मांगे नहीं तो हम आपको बोलने नहीं देंगे, ऐसे चर्चा नहीं होती, ऐसे चर्चा नहीं होती, अरे लोहान साहब भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत हो जाए, और लोग भी हैं इस चर्चा के अंदर, और लोग भी हैं इस चर्चा के अंदर, सिर्फ आरोप लगा दिया इससे चर्चा ही नहीं आगे बढ़ने देंगे आप लोग, ऐसे नहीं होता ना मोनू यादव जी, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा मोनू यादव जी, ठीक है एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अरे लोहान साहब, लोहान साहब, लोहान साहब आपको, आपने सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय ले लिया भाई, अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ रहा हूँ, गाय पर चर्चा कर ले, गाय की सुरक्षा कैसे करें थोड़ा उस पर चर्चा कर ले, नहीं करनी आपको, अपनी पार्टी का केवल पक्ष रखना है, क्योंकि पार्टी बड़ी है आपके लिए, पार्टी बड़ी है ज्यादा आपके लिए, मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है, मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है, मुद्दे पर बात ही नहीं करनी है, ठीक कह रहे हैं, कानून अपना काम करेगा, मोनू यादव जी, मोनू यादव, मोनू यादव जी, मोनू यादव जी, मोनू यादव जी, मोनू यादव जी, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, केवल म्यूट हो जाएंगे आप लोग, इसलिए बोल लेने दे भाई, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ कम से कम उसको तो बोलने दे, और पुलिस ने पिस्टल पकड़ता है, मैं सभी को बताना चाहूंगा, पीछे उन्होंने धमकी भी देके देखी है, गो भक्तों पे आक्रमण भी करके देखे हैं, किसी तरह का बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और कानून के रूप में प्रशासन प्रशासन अपना काम करेगा, और एक भी गो तस्कर को नहीं छोड़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। गर्ग साहब कब 7.5 साल हो गए, कब 75 साल में लगातार गो तस्करी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 75 साल कुछ हो रहा है, हाँ 7.5 साल का जो जवाब, वैसे आप ठीक बोल रहे हो, मैं आपसे सहमत हूँ, कानून के अनुसार काम होना चाहिए, बिल्कुल कानून के अनुसार काम होगा, प्रशासन अपना काम करेगा, और नहीं आप चेयरमैन हो, आपकी जिम्मेदारी भाई, गरंग साहब ठीक, आप गरंग साहब ठीक बोल रहे हैं, ये कानून का नाम भी हमें लेना चाहिए, बात भी कोई जाने दीजिए, गौ तस्करों के बचाव की बात तो बहुत लोगों ने कह ली, कानून है इस देश में, हर विषय मैं सभी को बताना चाह रहा हूँ जी, बाल मुकुंद जी, मोनू जी आपकी बात कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात को कोई सुनना ही नहीं चाह रहा, आपको पार्टी का पक्ष रखना है, हम सिर्फ गौ माता की सेवा में लगे हैं संगठन के हिसाब से, अभी मेवात में सबसे ज्यादा गौ तस्करी होती है, राजस्थान से सबसे ज्यादा गायें आती है, एक साथ 10 गाड़ियां भर के आती है,
मैं सरकार के बिल्कुल किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार वहां से राजस्थान से गाय आती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, विधायक चार चार वहां मेवात में किसके हैं वो सबको पता है, वहां पे गौ तस्करी होती है। और हमारे चेयरमैन साहब रात और दिन कभी भी मैं 12 बजे 2 बजे कॉल करता हूं तो हमेशा खड़े मिलते हैं हमारे साथ। सरकार ने हमें गौ टास्क आयोग में सदस्य भी बनाया है, जो भी गौ भक्त लगे हुए हैं, कहीं कमी रही है वो हमें इनसे बता रहे हैं, वकील भी खड़े कर रहे हैं, ये हर जगह खड़े कर रहे हैं। 2019 में मुझे गोली मारी थी लेकिन 5 दिन में वो गिरफ्तार हो गए, अभी किसी को पता नहीं है। कल रात को गौ तस्करों ने 2 व्यक्तियों को मार दिया पलवल टोल पर और कुचल दिया, उनकी वीडियो मेरे पास है, वहां भी कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि गौ भक्तों की सुनने वाला कोई नहीं है। गाय है बड़ी दुर्दशा में है, मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं, मोनू यादव जी कैसे नहीं सुनने वाले भाई, सरकार तो कह रही है कि वो तो बराबर कार्रवाई कर रही है और जितना कर सकती है भरसक उसके तरफ से कोशिश भी है, फिर आपकी इस बात को कैसे नहीं सुना जा रहा। मैं मोनू जी जितना भी देखिए, मोनू भाई मेरे को एड्रेस आपने किया था, आपकी भावना की हम कदर करते हैं, गौ हमारी माता है और गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है, परम धर्म है। और जैसे आपने कहा, हमारे सरवण जी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, हमने शुरू में भी यही प्रार्थना करी थी, अब भी ये काम कह रहे हैं, गौ हमारी माता है, हमारे लिए गौ से बड़ा कुछ नहीं है, गौ गीता गंगा ये हमारे लिए धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, गौ से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ क्योंकि वीरेंद्र चौहान जी भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, एक स्वयं में एक संस्था है खुद में, मैं ये कहता हूँ हर हमारी जुबान पे कानून का नाम जरूर होना चाहिए क्योंकि हम संविधानिक देश हैं। दुनिया के बहुत से देश हैं जो संविधान ना चलने के कारण आज अस्थिरता फैली हुई है। हम हर शब्द में हर बार जैसे हम माला जपते हैं इस तरीके से कानून का जरूर हम उपयोग करें बीच में, संविधानिक पद्धति का उपयोग करें। मोनू जी मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आप तो ग्राउंड के ऊपर रहते हैं ना, आप मुझे ये बताइए क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ ये वाला वीडियो भी जो हम लोग गुरुग्राम वाला देख रहे हैं, ये बेखौफ क्यों नजर आते हैं, जब इतना सख्त कानून है इतनी कार्रवाइयां होती हैं उसके बाद भी क्यों ये बराबर कैसे जारी है, कहां पर आपको लग रहा है कि अभी कमी है या क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, क्यों नहीं रुक पा रहा है फिर ये? मोनू जी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रुक रहे हैं जी कि पुलिस को इनको थोड़ा सा खौफ नहीं है, इनको जैसे कहा गया है कि इनको ठोकना, मैं ये यूपी में नहीं बढ़ते, अब यूपी में क्यों नहीं बढ़ते, कईयों का एनकाउंटर कर दिया है, मार दिए गए, क्योंकि ये पुलिस पे खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, पुलिस को अभी गोली भी लगी थी, हमें भी गोली लगी, तो ये इनको एनकाउंटर करे तो ये गौ तस्करी रुक सकती है, अन्यथा गौ तस्करी नहीं रुकेगी। यहाँ पे कानून की बात की जाए तो कानून में अभी बदलाव हुआ है, इनकी सजा महीना जाता है, दो चारों की सजा हुई है, कुछ जी पुलिस डिपार्टमेंट कह रहे हो ना आप, उनको महीना जाता है या आप ठीक कह रहे हो, जब ये चौहान साहब कह रहे ना ठोकेंगे, जब ये ठोकेंगे तो फिर ठुकेंगे, ये नहीं जा सकते फिर, आप ठीक कर रहे हो, आपको भी पता है हमें भी पता है इस चीज का। श्रवण गर्ग जी कैसे रोकेंगे, रणबीर लोहान जी ये बात क्योंकि इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आधार मानता हूं क्योंकि जो भी पुलिस मोनू यादव जी भी बता रहे हैं कि भाई देखिए कुछ तो ऐसा है कि पुलिस का खौफ नहीं है, और आप कानून कितना भी सख्त बना ले पुलिस का खौफ नहीं होगा तो फिर तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, पुलिस कर्मियों की तो मैं 1% नहीं कह सकता, क्योंकि रात को हमारे साथ ये पहाड़ों में रहते हैं, चार चार घंटा पहाड़ों में इनकी वर्दी तक फट जाती है, लेकिन फिर भी ये गायों को उतारना और फिर वहां से गाड़ी में लाना, गौ तस्करों के पत्थर झेलने और फिर हमें भी बचाना। दूसरी बात है क्योंकि मेवात में हमें भी ये बताते हैं पुलिस कर्मी, और फिर गायों को बचाना, फिर हम उनकी सहायता से गायों को पकड़ कर गौशाला ले जाते हैं, और ये बहुत बड़ी वो है, सिर्फ और सिर्फ एक कमी है, मेवात में पुलिस कर्मी बढ़ाए जाएं, ये गौ टास्क बनाई गई है, इसमें पुलिस कर्मी सिर्फ 10 है, ना उनके पास गाड़ी है। मोनू भाई मैंने यही तो बोला था शुरू में, मोनू भाई मैंने ये कहा इसकी संख्या 10,000 की जाए, गौ टास्क जो बनाई है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, ये मैं बोल रहा था बस कि पुलिस की संख्या गौ टास्क में बढ़ाई जाए, यही तो निवेदन कर रहे थे हम। ठीक है गर्ग साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? सरकार है श्रवण गर्ग जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी जी। गर्ग साहब जो बात यहाँ पर है, एक तो देखिए कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं जिनका नाम मोनू जी ले रहे हैं कि भाई वहां से ही सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, और दूसरा यह है कि पुलिस का खौफ नहीं है गौ तस्करों के अंदर। गौ तस्कर जो कार्य कर रहे हैं वो घिनौना कार्य कर रहे हैं, और इसको रोकने के लिए प्रशासन पूरा पुलिस सहयोग कर रही है, ये भी मोनू भाई ने भी माना है ग्राउंड में, और आप भी इसको मान रहे हैं।
इसको आगे और बढ़ाएंगे और जगह भी हमने चिन्हित कर ली है, मेवात का क्षेत्र है, पलवल का क्षेत्र है या अम्बाड़ा का क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र के अंदर जहां से गौ तस्करी होती है उन नाकों को बंद करेंगे। और गौ तस्कर करने वाले ये तो छोटे गुर्गे हैं जो गाड़ियों में चलते हैं, उन बड़ों को भी निबख्शा जाएंगे, सांप को क्या सांप की मां को भी निबख्शेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। गर्ग साहब आप लोग गौशाला खोल दो, कोई ले नहीं सकता, ये क्यों नहीं कर रहे आप? शुरू में जब आए थे तो कह रहे थे गौशाला खोल देंगे, दो हजार पे घूम क्यों रही है? मुझे आपने कहा था रोड पे नहीं दिखेंगी, गौ माता कभी रोड पे नहीं दिखेंगी, बीजेपी ने ये कहा था, लेकिन ये गौ माता दिख रही है रोड पे। चेयरमैन एक सेकंड, ठीक है, बैठने से बात करने से नहीं ठुकेंगे। ठीक है, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब थी, के करीब गौवंश था उन गौशालों में, आज गौशालों में 500,000 गौवंश है, 600 गौशाला रजिस्टर्ड है, 100 गौशाला अनरजिस्टर्ड है। ये सारी बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी रोड पे घूम रही है, तो फिर जो रोड पे घूम रही है उनके लिए फिर रजिस्टर्ड और भी लोग। ठीक है, चलिए चौहान साहब, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, चलिए अब आपने बना दिया, ठीक है, मुझे भी समय दे दीजिए। बीरेन जी आप बोलिए चौहान साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात पर कतई एक से दो राय ना हो सकती है, ना होनी चाहिए कि किसी को भी हरियाणा की धरती जो कि योगी राज कृष्ण की, गोपाल कृष्ण की कर्मस्थली है, गीता की स्थली है, उस मिट्टी से गौ तस्करी करने का अवसर मिले। हमने सख्त कानून बनाया है, हमने गो टास्क फोर्स बनाई है, हम ये भी मान लेंगे बड़ी ईमानदारी से कि अभी उसमें और बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, कतई हमको संकोच नहीं है, बस इतना सा अनुरोध समाज के सब वर्गों के लोगों से, सब राजनीतिक दलों से कि वे गौ रक्षा के हमारे प्रयासों में खलल न डालें, वे केवल उपदेशक बनकर न खड़े हों, वो इस अभियान में हमारे साथ ठीक वैसे खड़े हों जैसे नया कानून लाने में हरियाणा के सब राजनीतिक दल सरकार के साथ आए थे। मैं आभारी हूं, मैं मुझे ध्यान है कि जब हम साथ है, रुके लोहान साहब आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सब राजनीतिक दल कानून को सख्त करने में साथ आए थे, गौ तस्करों से संग्राम में भी कतई कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं है। गौ हमारे लिए सियासत का नहीं, आस्था श्रद्धा और अर्थशास्त्र का विषय है, हरियाणा किसान की धरती है, हम तो बैल को परिवार के सदस्य से भी ज्यादा प्यार करते रहे हैं, गाय के मामले में हम सबकी यही केवल इतना सा कह रहा हूँ, 2.5 साल बचे हैं, जल्दी करिए, 7.5 साल भाई साहब, हम 7.5 साल से हमने काम किया है, मानिए ना मानिए, यही तो सब रोड पे घूम रही है, पहले से ज्यादा संख्या में है, हम जो महाराज पहले से ज्यादा संख्या में है, हमने ज्यादा बढ़ा दी। मुझे दो लाइन में मेरी बात पूरी हो जाएगी, फिर आप करिए, मुझे सिर्फ ये कहना है पंडित बालमुकुंद शर्मा, मैंने कानून हाथ में लेने या कानून तोड़ने की कोई बात न कही थी, आप उसको छोड़ दीजिए, आप माफी दे दीजिए बालमुकुंद जी, तो करने दीजिए, हम आपके साथ हैं, गजब की बात है, तोड़ूंगा तो न्यू कहोगे क्यों कर तोड़ दिया, मैंने तो सिर्फ न्यू कही थी भाई, जो गौ हत्या के काम में, तस्करी के काम में संलिप्त है, चाहे कोई भी हो, आइए उसको मिलकर रोके टोके और कानून के रास्ते से ठोकने की तैयारी करें। सरकार एफर्ट कर रही है, हमारे एफर्ट को आपके समर्थन की जरूरत है, हमारे एफर्ट को समाज के सहयोग और सक्रियता की जरूरत है, साथ दीजिए, आपका अभिनंदन करेंगे, लेकिन एक संकल्प बड़ा स्पष्ट है, कोई साथ दे ना दे, मोनू जी, श्रवण जी, मैं और आप भी साथ दे दोगे तो सारे मिलके गौ तस्करी, चलिए अब आप लोग इसी बात के साथ ही जाते हैं, अभी यहीं समाप्त करने पड़ेगी, शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि गौ तस्करी एक बड़ा विषय है, कैसे अंकुश लगे ये भी सवाल है, लेकिन जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें लोगों की सामूहिक भागीदारी भी बहुत जरूरी है, जिसका आह्वान भी किया जा रहा था, अब देखना यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति से ऊपर उठकर क्या इस अभियान में भी साथ नजर आती हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।